हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से। टोटल पोस्ट की बात करें तो बम्पर नंबर की सीट रहेगी 3508 सीट, मतलब 3508 सीट है ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी आई है। दो तरह के पोस्ट है फ्रेंड्स, CSA यानी कि कस्टमर सर्विस एजेंट, इसके लिए जो टोटल पोस्ट है 2653 सीट्स रहेगा। सेकेंड पोस्ट जो है आपका लोजर या हाउस कीपिंग, इसके लिए 855 यानी 855 टोटल सीट है। अब दोनों ही पोस्ट को मिलाकर समझ गए कि 3508 सीट रहेगा, तो इसका अप्लाई करने का डेट क्या है फ्रेंड्स? ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है 1 अप्रैल से। लास्ट डेट की अगर बात करूँ तो 30 जून लास्ट डेट है, लेकिन इतना लंबा इंतजार नहीं करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर देना। चलिए, अब फॉर्म अप्लाई करने की बात आई है तो आपको बताते चलूँ दोनों ही पोस्ट के लिए ऑल कैटेगरी का क्या फॉर्म फिल लिया जाएगा। CSA के लिए आपका 380 रुपया प्लस GST ऑल कैंडिडेट के लिए है। लॉजर या हाउस कीपिंग का जो ऑल कैटेगरी का चार्ज है ना, 340 रुपीज़ प्लस GST। अब सबसे ज़रूरी बात ये जानेंगे कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये बता दूँ किस डेट से एज कैलकुलेशन किया जाएगा। एज ऑन 1st of July 2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष, यानी कि CSA के लिए है 18 to 28 ईयर्स, और दूसरा जो हमारा पोस्ट है लॉजर और हाउस कीपिंग का, उसके लिए 18 to 33, मतलब 18 से 33 वर्ष। अपर एज में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को मिल जाएगा 5 ईयर्स का। यहाँ तक तो आप बेसिक जानकारी समझ गए हैं। अभी आपको बताते चले कि दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। तो पहले मैं बताती हूँ CSA यानी कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए, इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है 10+2, मतलब जो बच्चे इंटर पास है या फिर जो इंटर में अपियरिंग है, चाहे आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम हो, सभी बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन अपियरिंग वालों के लिए एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि उनका रिजल्ट जो है 1 सितंबर 2024 के पहले पहले आ जाना चाहिए। वहीं पर लॉजर या हाउसकीपिंग की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके रिगार्डिंग बेसिक जानकारी। अब इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया कि ऑनलाइन CBT या फिर ऑफलाइन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद आपका सिंपल सा एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए, MCQ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। और समय जो होता है ना एग्ज़ाम का, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, विच मीन्स कि 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। चलिए अब भी बता देती हूँ किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। पहले तो ये बताते चलो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मतलब पार्ट ए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो उस पर थोड़ा सा वर्क आपको ज़्यादा करना होगा। पार्ट बी में आपका फर्स्ट टॉपिक होता है साइंस एंड एविएशन नॉलेज से 10 क्वेश्चन, सेकेंडरी आपको करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से 10 क्वेश्चन पूछेगा, थर्ड आपका सोशल स्टडीज से 10 क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, और फिफ्थ आपका रीजनिंग से 15 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपने देख लिया है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक नोट भी है जो कि वहाँ पर दे रखा है नोटिफिकेशन में, मैंने सोचा आप सभी को बता दूँ। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एग्जाम में ओवरऑल 35% है, लेकिन
एक बात इसमें ये बताई गई है कि 15 क्वेश्चन आपको, ये जो 40 क्वेश्चन है ना इंग्लिश का, इसमें से कम आपको 15 क्वेश्चन सही सही करना ही रहेगा, नहीं तो फिर आपको फेल मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप पार्ट ए में 15 नंबर नहीं लाते हो तो इधर आप कुछ भी नंबर लाओ आप फेल ही कर लाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, फिर क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। और ये भी फ्रेंड्स की एग्जाम का सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप वहाँ डाउनलोड करके आप कर सकते हो, देख सकते हो थ्रो आउट। और चाहो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अभी जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों पोस्ट के लिए सैलरी क्या रहेगी। CSA यानी कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए 13,000 से शुरुआत होती है और आपका 30,000 तक सैलरी दिया जाता है। अदर जो पोस्ट है उसके लिए 12,000 से शुरुआत होता है और 22,000 तक सैलरी मिलता है। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारा कुछ डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, कमेंट करिए, वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।